माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, माँ गंगा के तट पर पवित्र डुबकी लगाने के बाद भक्तों को सर्पाकार गलियों से लंबी दूरी तय करते हुए विश्वनाथ मंदिर परिसर तक पहुंचना पड़ता था। छोटी छोटी गलियां थी वो, लेकिन आज यहां विस्तारीकरण योजना को मूर्त रूप मिल रहा है। अब आप इनके क्रियाकलाप को देखिएगा तो खुदे समझ में आएगा कि अगर हमको केवल यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था करनी थी तो काशी के मूल स्वरूप को उजाड़ने की क्या आवश्यकता थी। ज्ञानवापी परिसर आपने ले लिया, उसको व्यवस्थित कर दीजिए, 20,000 पब्लिक एक साथ उस परिसर में आ जाएगी। अब 2,00,000 पर एक साथ तो आती नहीं है पब्लिक दर्शन करने कि एक साथ 2,00,000 आ गए। 20,000 अगर उसके जिगजैग टाइप से बना के उसको व्यवस्थित कर दीजिए तो वो 20,000 निकलते जाएंगे, आते जाएंगे, निकलते जाएंगे। क्यों आप पूरा का पूरा एरिया खाली करा देने का क्या मतलब है? आपको 5,00,000 लोगों को इकट्ठा करना है, 3,00,000 लोगों को इकट्ठा करना है। अब देखिए पूरा मैदान तैयार हो गया है, अब मस्जिद लोगों को दिखा रहे हैं। ये हमारी मस्जिद है, ये वाली आपकी मस्जिद है। हाँ, विश्वनाथ मंदिर इस तरफ है, विश्वनाथ मंदिर इस साइड है, ये आपकी मस्जिद है। हाँ, और इसके इधर क्या है? इधर ये सामने कॉरिडोर वाला वो बना रहे हैं, ब्यास जी का मकान वगैरह था, वो सब टुकड़ा ताड़ा है इन्होंने। अच्छा, ये गंगा के साइड जाएगा। हाँ, गंगा के साइड जाएगा। देखिए कब कौन सी घटना घट जाए नहीं मालूम। अभी 2 तारीख की जो घटना है वो मामूली घटना नहीं थी, छोटी मोटी, ये बता दें। उसको बहुत हल्के में हम लोग नहीं ले रहे हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। इसे खोदा गया गड्ढा खोद करके, मूर्ति ले आए एक नंदी की और वहाँ गाड़ने के लिए। ये देखिए ये मूर्ति ले आए थे वहाँ गाड़ने के लिए। कोई चीज को प्रवोक करने का मतलब कि हम आपको प्रवोक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिटर्न कोई जवाब आएगा, रिटर्न होगा तो दंगा होगा, दंगा होगा तो हमारी राजनीति खड़ी होगी। तो ये सब जो है, नहीं तो कभी इस तरीके के वातावरण यहाँ थे ही नहीं। जैसे कि बाबरी मस्जिद टूटा तो वहाँ भी खाली कर दिया गया था, पहले चारों तरफ से खाली कर दिया गया था वहाँ भी, बाबरी मस्जिद के पास भी, और वैसा ही यहाँ पे भी मंजर है, चारों तरफ से खाली हो जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन, कितने सदियों से यह स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा, कितनी बार ध्वस्त हुआ, कितनी बार अपने अस्तित्व के बिना जिया, लेकिन यहां की आस्था ने उसको पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित दिया, पुनर्चेतना दी, और यह क्रम सदियों से चलता आ रहा। क्या मोदी जी जब अपना सपनों का ड्रीम यहां उतार रहे थे, 300 लोगों का घर गिरा रहे थे, तो उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं चाहता हूं कि यहां मंदिर और मस्जिद एक साथ रहे? तो आप जब बनारस का मुद्दा खड़ा करते हो तो वो काशी मथुरा बाकी वाले आपके नारे याद आते हैं, और फिर हमें चिंता होती है कि भाई आप जहाँ बनारस में 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की, वहाँ पे आप उनकी भावनाओं के साथ पूरी तरह से फिर खिलवाड़ करके और अपना
पोलराइजेशन का एजेंडा लेकर के, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर के आप ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी वही हश्र नहीं करेंगे बाबरी मस्जिद का जो किया, इसकी क्या गारंटी है? ये इस तरीके की खौफ पैदा करने की तो कोशिश की जा रही है काफ़ी दिनों से। प्रशासनिक ये जो वहाँ पे कॉरिडोर बनाने के लिए जो मकानात तोड़े जा रहे थे, उसी दौरान वो हमारी बाउंड्री वॉल थी उसको तोड़ा गया और उसके बाद तो विवाद हुआ। सामने देखते हुए कि मस्जिद की दीवारें हैं तो उनको इस चीज को तोड़वाने की क्या जरूरत थी? शासन तो देख रही है, इतना ड्यूटी जो लगा हुआ प्रशासन का किस लिए? इसीलिए ना कि ना मस्जिद पे कोई बात हो ना मंदिर पे कोई बात। क्या लगता है कौन तोड़वा रहा है? कौन तोड़वा रहा है? अधिकारी का मिला हुए भगत है। कौन 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 कौन? अरे सारे अधिकारी मोदी के जितने दामाद हैं सब लोग। स्थिति बहुत खराब हम लोगों को, जैसे क्षेत्र से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा वो होता है, डर लगता है, माहौल इतना खराब है, हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा। बहुत तैसुबाना माहौल हो गया। यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पर बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद हुई थी, लगातार दंगे का महीना होता था, हर साल में 2 महीना दंगा में जाता था, सारा व्यवसाय यहाँ का चौपट हो गया था। भावनाओं की का जब युद्ध होता है ना तो आदमी परिणाम भूल जाता है, परिणाम तो बाद में उसको समझ में आता है। आप देख लीजिए अयोध्या जाकर कि उसका क्या परिणाम है, आज तक अयोध्या विस्तृत रूप से पनप नहीं पाया है जो वहाँ उस घटना के बाद से।